नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार में होने वाली छोटी छोटी गलतियों की, जिसकी वजह से हमको जितना बेनिफिट सूर्य नमस्कार से होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो चलिए पहले एक बार हम सूर्य नमस्कार करके देखते हैं। पहला आसन है प्रणाम आसन, जिसमें हम गहरी लंबी श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ कोहनियों से सटा के इस तरह से हम नीचे लेके आएंगे। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन, जिसमें हम गहरी लंबी श्वास भरते हुए इस तरह से पीछे की ओर बेंड होते हैं, जिससे कि हमारा डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारा रिब केज ऊपर की ओर खींचता है। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस तरह से अपने घुटने बेंड ना करें, क्योंकि हमको जो स्ट्रेचिंग मिलना चाहिए वो हमें इस आसन में नहीं मिल पाएगा। अब हम अपनी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बेंड करेंगे। इसमें कमर हमको सीधी रखनी है और बेंडिंग हमें हिप जॉइंट से करनी है, ना कि हमारी स्पाइन से। आसन दो और तीन हमारे डायफ्राम एवं रिब केज के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। और ये जो साइक्लिक स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन जो होता है, जिससे डायफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और हम डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं। और डीप ब्रीदिंग करने से हमारे लंग्स के लोअर लोब्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, जो कि हमें रिपेयर और कामिंग इफेक्ट देता है और धीरे धीरे हमारे शरीर की एक्सेस फैट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यहां हमें अपना पैर स्ट्रेट रखना है, क्योंकि घुटना या एंकल बेंड करने से हमारे हैमस्ट्रिंग में जो स्ट्रेचिंग हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हम अपनी लेग को स्ट्रेट रखते हुए सामने की ओर देखेंगे। ये परफेक्ट पोजीशन होगा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए। अब दूसरा लेग भी पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। मुख स्वानासन, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। और इस तरह से हमें अपना दोनों एड़ी जमीन के टच रखना है। अगर हम इन्हें ऊपर की ओर उठा के रखेंगे तो हमारे थाई मसल्स में उतना स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा जितना हमको मिलना चाहिए। फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बालासन या शिशु आसन में चले जाएं। यहाँ हमें अपने हथेलियाँ अपने कंधों से थोड़ा आगे रखना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। इसमें हमारे आठ अंग जमीन को स्पर्श करते हैं। यहाँ हमें अपनी एल्बो बॉडी के टच रखना है, न कि बाहर की ओर। कोबरा पोज में हम अपनी एल्बो इतना ही ओपन करें। हाथ पूरा स्ट्रेट करने से स्पाइन पे स्ट्रेस आ सकता है और इस पोजीशन में रहने से हमारी चेस्ट ओपन होती है और थाइमस ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है। फिर से प्लैंक पोजीशन में आ जाए और जो लेग हम पहले पीछे लेके गए थे उसी को हम आगे लाएंगे, हमारा राइट लेग। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए
हम ऊपर की ओर उठेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स की। एक बहुत ही इनक्रेडिबल बेनिफिट देने वाला आसन है ये। हमारी बेली फैट को बर्न करता है, ये हमें एसिडिटी और हार्ट बर्न में रिलीफ देता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा कैलोरी बर्नर भी है। इसमें 13-14 कैलोरी एक साइकिल में बर्न होता है, तो आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन कर सकते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, ये हमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देता है जिससे हमारी बॉडी की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों इसे आप अपने जीवन में अपनाइए और इसके इनक्रेडिबल बेनिफिट्स को लीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आप सूर्य नमस्कार को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, ये बहुत ही लाभप्रद है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।